हेलो दोस्तों, आगे मैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम बात करने वाले कि विंडोज़ 11 में नेटिवली आप एंड्रॉयड ऐप कैसे चला सकते हो आप, और कैसे सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले से। तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट पैड पर ये मैं तीन चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। देख सकते हो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, SDK प्लेटफॉर्म टूल फॉर विंडोज़ एंड WSA टूल। ये तीन टूल आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। वन बाय वन कॉपी करते हैं और इसको गूगल पर सर्च करना है ये सेम पैटर्न। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी उसको वेबसाइट खोलोगे आप, और यहाँ से आप गेट इनटू दिस ऐप करेंगे। ये आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा विंडोज़ की जो स्टोर होती है वहाँ पे। उसके बाद वो टूल हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर सेकंड टूल डाउनलोड करेंगे SDK, जो भी होता है हमारा SDK फॉर एंड्रॉयड, ये भी गूगल पे सर्च करके आप डाउनलोड कर लेंगे, और जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये सेकंड टूल भी हमारा डाउनलोड हो गया, और जो थर्ड टूल है WSA टूल, वो भी डाउनलोड करके मैंने पहले कर रखा है। तो आप ये तीनों टूल डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टूल जो है हमारा विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, ये खोल लेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑन करना है, इसको बंद नहीं करना है, इसको बंद कर देंगे आप। आपको WSA टूल खोलना है और वहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ADB मिसिंग बताएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ से जो फाइल है आपने डाउनलोड की है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो ज़िप फाइल अभी डाउनलोड की थी एंड्रॉयड सब सिस्टम के लिए सिक्योर SDK टूल, वो यहाँ से इसमें माउंट कर देंगे। सिंपली देख सकते हो आप, मैंने इसको यहाँ पे ADB माउंट कर दिया है। बस इतना सा करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसके बाद सेव करके आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, एप्लीकेशन का लिंक मांगेगा कैसे, APK का लिंक मैंने डाउनलोड करने के लिए। APK आप गूगल प्ले से कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि इंस्टाग्राम मैंने इंस्टॉल कर रखा है, देख सकते हो आप इंस्टाग्राम। और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट इंस्टॉलिंग हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार में एरर आ सकता है, तो यहाँ पर इसको अलाउ आप परमिशन दे देना। नेक्स्ट टाइम ये एरर नहीं आएगा, और उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, टेक सम टाइम टू इंस्टॉल। उसके बाद देख सकते हो आप, ये जो इंस्टाग्राम है वो नेटिवली हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, यूज़ करने के लिए तैयार है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। कोई भी सवाल इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल बहुत नया चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर, बाय बाय।